महाराजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा माँ को प्रसन्न किया। माँ प्रसन्न हो गई, कहती हैं भगीरथ मैं पृथ्वी पर तो आऊंगी पर मेरा वेग इतना है कि मैं पाताल में चली जाऊंगी, तो माँ फिर कैसे होगा? कहते तुम शिव जी को प्रसन्न करो, मेरा वेग केवल भोलेनाथ रोक संभाल सकते। देखो भोलेनाथ कितने शक्तिशाली है, बड़े भाव से भोलेनाथ का नाम लो और उनसे भक्ति का दान मांगो। तो शंकर की आराधना की, बड़ी तपस्या करके महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा क्या चाहिए आपको? महादेव गंगा मैया पृथ्वी पर आना चाहती है, उनके वेग को आप रोकिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, जो भगवान के चरणों का चरणोदक है शंकर भगवान उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। शंकर भगवान ने अपनी जटाओं का विस्तार किया, मन पता नहीं बड़े लंबे समय तक गंगा मैया उसी में घूमती रही शंकर भगवान की जटा। फिर उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। जो लोग शंकर के उपासक हैं, शंकर भगवान से सीखें कि वो कृष्ण के भक्त हैं और राम के भक्त हैं। जो शंकर उपासक हैं इस इन बातों को नहीं समझते, कहते शंकर ही बड़े हैं। शंकर बड़े हैं, बड़े सबसे बड़े वैष्णव हैं। ये भी भागवत में कहा है निमंगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराना नाम इदम तथा।